घी डाल कर उस भैंस को मतलब उसे प्याजे और छटा वो चार खुराक देनी है जी। दो सूप दे देना। नमस्कार पशुपालक साथियों, साथियों आपके अपने YouTube चैनल रावत मुर्रा डेयरी फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो लेकर के। तो साथियों बहुत भाइयों के फोन आ रहे थे कि हमारी जो भैंस ब्याती है उसके बाद जो मेला छटाव करती है तो वो नहीं कर पा रही। तो आज आपको बहुत बेहतरीन वीडियो जो मैं बताएंगे कि मेला छटाव की बहुत बेहतरीन दवा अपने ताऊ जी हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं तो ये बताएंगे। इन्होंने जो पुराना इनका एक्सपीरियंस है इस चीज़ का आज उससे आपको रूबरू कराएंगे। तो साथियों जितने भी नए भाई हमसे जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सभी भाई वीडियो को शेयर करते रहें जिससे कि किसी और भाई को भी ये फायदा मिल सके। तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सभी मेरे चैनल देखने वालों को एक बार नमस्कार। नमस्कार जी। तो ताऊ जी सबसे पहले अपना नाम बताएं। देवीलाल। नाम देवीलाल है। गांव मानपुर। गांव मानपुर। जिला पलवल। जिला पलवल हरियाणा से जो है ताऊ जी बिलोंग करते हैं। ताऊ जी मेरे ही गांव से हैं, मेरे पड़ोसी हैं और ताऊ जी को पशुपालन में बहुत अच्छा ज्ञान है। तो आज हम ताऊ जी से जानेंगे कि मेला छटाव के बारे में। तो ताऊ जी जो हमारे जो पशु हैं वो मेला छटाव करते हैं तो बहुत भाइयों के फोन आ रहे थे कि जी हमारी पशु मेला छटाव नहीं कर पा रही, तो उसके लिए कोई ऐसा फार्मूला बताइए घर का जो कि बहुत अच्छा आपने यूज कर रखा हो। तो बताऊंगा जी। जी भैया ऐसा है, 10 दिना की ब्याई भैंस है जाए जी और 10 मूंड की पुड़िया लाओ 6 जी और 2 पुड़िया एक बार में पानी में खदकाओ 2.5-3 किलो में जी। मैं एक बार बताना चाहता हूँ, 10 मूंड जो बोल रहे हैं, 10 मूल की पुरिया जो होती है। 10 मूंड, मूल नहीं। अच्छा, 10 मूंड। 10 मूंड की पुरिया। अच्छा जी। अच्छा जी। तो ये कहाँ मिलेगी जी? और ये पंसारी के मिलेगी। पंसारी के। पंसारी। तो साथियों को बताता चलूं जो 10 मूंड की पुरिया है वो पंसारी के पास आप जाकर के बोलोगे कि 10 मूंड की पुरिया दे दो तो वो आपको दे देंगे। तो ये लानी है 6 शुरू की खुराक में 2 पुरिया गेरो जी और उसमें मतलब जो है 2.5-3 किलो पानी करो और जब वो अच्छी खदक ले पानी में जी तो वहाँ में जो है मतलब जो है फिर के शेर गुड़ के शेर चीनी गेरो, जब वो मिक्स हो ले जी और उसे मतलब ये है कि सोमती टाइम दो उसे शाम को टाइम जो को खाना पीना अपने पशुओं को खिला करके अलग बांधे। हाँ, तब वो मतलब गोबर कर ले पेशाब कर ले जब दे जी और वाह है भैया मतलब ये तसला में फिर ठंडी करो गुनगुनी सी जी और उसमें पाव शेर घी डालो जी। पाव शेर घी डाल कर उस भैंस को मतलब उसे प्याजे और छटाव वो 4 खुराक देनी है जी। 2 सुरूखे दिनों फिर एक एक मतलब 5 खुराक दे दो। एक सुबह एक शाम? ना एक ही टाइम जी। अच्छा एक ही टाइम रात के दोन की और फिर एक एक की ये 4 दिनों 5 दिनों देनी। शुरू के दिन 2 पुरिया देनी है एक बार में। बिल्कुल। उसके बाद एक एक पुरिया डेली शाम को एक 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 पुरिया घी जरूर पाव शेर गिरा गो। एक पाव घी डेली देना है। डेली देना है। और गुड़ कितना देना है? गुड़ देना है जी कम से कम 3 पाव शेर तो गुड़ चाहिए ही चाहिए। 3 पाव शेर। हाँ ठीक है। तो साथियों जो आज तो कितने दिन में छटाव कर देती है ये? छटाव जी 15-21 तक करे। 10 दिनों तक मतलब ये कुछ मत दो, खैर बिनोरा की सोनी खवाओ जी। 10 दिनों की जब भैंस हो जाए जब देना करो 15 दिनों लो ये 5 दिनों भैंस छटके फारिग हो जाए जी। हाँ तो साथियों मैं आपको बताऊं जो ताऊ जी बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 10 दिन तक तो आपको खल बिनोला हाँ और चुनी चौकर भी, चौकर और बिनोला ही देना है। उसके बाद 10 दिन की जब आपका पशु हो जाए 10 दिन के बाद ये फार्मूला आपको यूज करना है और इस फार्मूलों को यूज करने के बाद 3-4 दिन के अंदर अंदर आपका पशु है जो मेला फेंक देगा और साफ हो जाएगा, उससे अच्छा दूध पे चलेगा और अच्छी अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी है पूरी गुणवत्ता पर वो पहुंच जाएगा। तो आज हमारे ताऊ जी ने इतनी बेहतरीन जानकारी दी इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों बताना वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम।